यू मस्ट सी कितना लाइट चली गई और मुझे अभी बलून फ्रेंड्स अर्ली मॉर्निंग हो गई है, अभी हो रही 6:30 और मैं अभी अभी उठी हूँ। मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुई और बाहर का मौसम चेक कर इतना अच्छा हो रहा है। ये मुझे बादलों में ना वैसे भी अच्छा लगता है, बट पूरे बादल नहीं है, जिस शेड से बादल है उन शेड से बादल बहुत अच्छे लगते हैं। लग रहे जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी और काफ़ी अच्छा मौसम होगा। मेरी टांगों ना अभी से दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद मेरी टांगों को हवा लग गई है। मक्खी मेरी जान नहीं छोड़ती क्योंकि ना मुझे ना शायद मक्खी से बहुत डर लगता है। इसमें यहाँ कटा था, मेरी उंगली इतनी और मोटी हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा ही हो गई थी पता नहीं कैसे, और इतना छोटा डंक था उसका असर इतना बड़ा था, मेरी उंगली को फिर जलाया था, फिर जाकर मेरा दर्द शुरू हुआ। वैसे तो वो मेरे यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ आँख में भी जा रही थी। सो मैं यहाँ से निकल लेती हूँ क्योंकि मुझे भाई मसला अपने मोल नहीं लेना। अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने, चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी से फ्रेश होते हैं, क्योंकि आपको तो जैसे पता है कि अगर फ्रेश नहीं है तो ये चेहरा ना ख़राब का ख़राब ही रहेगा। बस आज हमें जल्दी रेडी हो जाना है। यहाँ की मेरी लाइट ऑफ है और उम्र भी उठ चुके हैं कुछ कुछ चीज़ा। चलो यहाँ लाइट ऑफ है इसलिए इतना अंधेर है, चले हम फ्रेश होते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और ये देखिए उमर आ गया मुझे तंग करने। इधर देखिए, इधर देखिए, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये मस्ती है। आई सी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये जो सॉन्ग है उससे मुझे थोड़ा डर लगता है। हम यहाँ स्टेज पर ही रुकेंगे तो भाई उमर ने फरमाइश कर दी कि थोड़ी देर हम चले ऊपर और हम ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। आई समझ, ओनली 5 to 10, नो ओनली 2 मिनट्स, बिकॉज मुझे नीचे जाना है रेडी होने। हमें 8 बजे से पहले निकल जाना, जब मुझे पता चला आई एम शॉर्ट, हमें 8 बजे से पहले निकल जाना। आई थिंक सो 7:30 हमारे निकलना बहुत ज़रूरी है। और आज का मौसम आप देखो, नीचे भी कितना अच्छा हो रहा है, बिल्डिंग्स कितनी साफ तरीके से, वहाँ पे हमारी छत से इतनी दूर तक बिल्डिंग्स दिखती है, आप वहाँ पर देख सकते हो। तब चले उमर, देख लिया आपने, तो इधर रुकना है। हाँ, छत के मामले में तो ये तो भाई बैठ, मुझे रेडी होने उमर, बैठ उमर मुझे रेडी होने, बैठ जा थोड़ी उमर मुझे रेडी होने, एक मिनट के लिए प्लीज। ओके, योर 1 मिनट इज ऑलरेडी पास्ट, आपका 1 मिनट ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपसे। कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है वहाँ से, और ऊपर की स्काई बिल्कुल जब क्लीन हो ना, और एक दरख्त तो जो सबको अट्रैक्ट कर रहा हो वो काफी अच्छा लगता है, और ये चलो चलते एक चील के बैठ के सबको घूरना भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे चील बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको चलना है? अभी नहीं भाई, जब ये बोल रहा था मैं नीचे क्यों नहीं गई। चलो चलते हैं, जाओ जाओ। सो फ्रेंड्स, उमर की बात पूरी हो गई, हम उमर को ले गए थे और 2 मिनट्स आपके ऑलरेडी पास्ट हो चुके हैं, 2 मिनट 13 सेकंड्स हो चुके हैं आपको। वी जस्ट गोइंग ताकि हम रेडी हो जाए, और यहाँ की लाइट ऑन है, हम इसको ऑफ कर देते हैं, ये हम रात को ऑन कर देते हैं। चले अब हम फौरन से जाते हैं, रेडी होते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर चलते हैं फटाफट। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी मैं रेडी होकर कैसे लगती हूँ। Few inches later, फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी, और मैंने उमर की बात मानी तो उमर मुझसे नाराज हो गए। देखो कितनी गोली 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 गोली
छोटी छोटी शक्ल है इसकी। अच्छा मुझे नाराज क्यों हो, मैं तुम्हें चॉकलेट्स ला दूंगी, ठीक है? चुप हो जाओ बट। तो चले मैं आपको अपनी फुल लुक और फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरा यही था फाइनल और फुल लुक। आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे नाना और मेरी नानी और मेरी आनी आ रही हैं हज करके, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। ये था मेरा आप सबका सरप्राइज। तो अभी हम निकल रहे हैं, चलिए अब हम चलते हैं। अब लोग अपने नानी और नाना के घर जा रहे हैं। हम लोग आए हुए अपनी नानी के घर, यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हुई हुई है उनके आने की। आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ कि सारी डेकोरेशन है, और ये तंग कर रहा है मुझे। हम उनके घर पे आ चुके हैं, मैं आपको सारी डेकोरेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे हज मुबारक लिखे हुए हैं और ये रोजेस आए हुए हैं इस साइड भी, और यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाहर की तरफ ही लगे हुए हैं और ये अंदर की तरफ है, वहाँ उस साइड ऊपर भी लगे हुए हैं हज मुबारक, और इस साइड भी हज मुबारक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई है हर जगह। ये अभी मैं अंदर आई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी काफ़ी। मुझे ज़रूर बताना कि डेकोरेशन कैसी है, बाहर की तो बहुत ही अच्छी, अंदर की तो और भी ज़्यादा अच्छी है। अभी लाइट चली गई और मुझे अभी बलून्स फुला रहे हैं हम सब। अभी मैं ये बलून्स फुला रही हूँ हज मुबारक के, और फुला फुला के मेरे सांस फूल गए, और एक तो मुझे गिठान नहीं लगानी आती तो मैं दूसरों से लगवा रही हूँ, और अब दूसरे बलून भी बनाऊँ। लग गई मुझे, मुझे बता दी थी ना फ्रेंड्स, लाइट आ चुकी है। इफ यू वांट टू सी के लाइट जब ऑन की है तो कैसा लग रहा है, ये देखें। और साइड पे बलून्स भी लगाए हैं, अंदर की तरफ भी लाइट्स लगी है बट वो ऑन नहीं की। यहाँ रोजेस हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी कजन से मिलवाती हूँ, बहुत अच्छी है ये। जब मुझे बुखार हुआ था मेरे साथ बहुत अच्छे थे, ये मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। हाय कर दो गाइस को, मुस्कान। हाय। तो वो आ गए, और जैसे ही हमने पूरी की प्लेट पकड़ी हम स्टेज पे, वो आ गए। छोटे बच्चे अच्छी बात आपने की, सामने की बात है। तो फूल फूल हो गए, ये फूल स्टैंड अभी जा गया। मुझे लग रहा है जैसे मेरा वेलकम हो रहा है यार, इतना मज़ा आ रहा है जाने में और आने में। अभी हम खाना खा रहे हैं जिसमें बिरयानी, और ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी है बट काफ़ी अच्छी है। देखें, देखती हूँ मुँह में पानी आ रहा है, बट मैंने रोटी नहीं डलवाई क्योंकि मुझे रोटी पसंदी नहीं है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट गिरान दी है मैंने यार।
फ्रेंड्स अब खाने के बाद मीठा गया चुना मीठा। फ्रेंड्स अब मैं घर आ चुकी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आज के दिन, तो बहुत मज़ा आया। और मेरी खाला भी पंजाब से आई थी। और फ्रेंड्स ये उमर को गिफ्ट में मिला मेरे नानो और मेरी नानी से, ये कैमल ये बहुत क्यूट है यार, मुझे काफ़ी क्यूट लगा। अभी मेरी गोद में बैठा हुआ था, मैंने उसको बैठे रहने दिया। तो जी फ्रेंड्स आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।